हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 एस्टिमेटिंग डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। जैसे कि मैंने आपको एडिशन में बताया था एस्टिमेटिंग सम के बारे में, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस का मीन भी सब्ट्रैक्शन ही होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए, राउंड नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड सर्कल द बेस्ट एस्टिमेट। यानी नियरेस्ट 10 पे हमें क्या करना है, राउंड करना है, और मतलब नियरेस्ट 10 में हमें इन दोनों को क्या करना है, बदलना है और माइनस करके पता लगाना है कि बेस्ट एस्टिमेट कौन सा है। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 में हम चेंज करते हैं, वंस प्लेस की वैल्यू को देखें नियरेस्ट 10 में चेंज करने के लिए, देन इधर 8 है तो क्या हो जाएगा, ये 100। ठीक है, 100 माइनस ये 57 है तो ये क्या हो जाएगा, 60। यानी 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40, देन बेस्ट एस्टिमेट इज़ 40, तो सर्कल कर दिया। ओके, देन राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100 एंड देन एस्टिमेट द आंसर। यानी कि हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 में चेंज करना है। ठीक है, तो 159 है, 159 को हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में चेंज करेंगे, तो 10th प्लेस की वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस 105 इन, ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, 200 माइनस 100 देन 100, सो आंसर इज 100। ओके, देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय एस्टिमेटिंग ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, तो जैसे कि इसको हमें कंप्लीट करना है, इस तरीके की कोई टेबल होगी जिसमें क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके बाद एस्टिमेट आपको निकालना है, एक्चुअल निकालना है, देन डिफरेंस निकालना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे ये कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो एस्टिमेट निकालने के लिए पहले आप इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करोगे, तो इसके नियरेस्ट 100 के लिए 10th प्लेस की वैल्यू को देखोगे तो 2 है, तो यहाँ पर नियरेस्ट 100 हो जाएगा 7500 माइनस यहाँ पर क्या है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1700। ठीक है, ये 687 देन ये 700 में चेंज हो जाएगा, ये 521 में चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आंसर आता है 5800 जो एस्टिमेट में आएगा 5800। ठीक है, एक्चुअल यानी कि इनका एक्चुअल डिफरेंस क्या है, यानी कि इन दोनों डिजिट को, इन दोनों नंबर्स को हम माइनस करते हैं तो आता है 5834। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में से एस्टिमेट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34, सो डिफरेंस इज 34। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, थैंक यू।